कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तलबी। तहरीक इंसाफ की सियासी क्यादत और लीगल टीम से मुशावरत। इमरान खान का दोनों अदालतों में पेश होने पर गौर। जरा बता रहे हैं कि बैंकिंग कोर्ट और सेशन कोर्ट ने इमरान खान को 28 फरवरी को तलब कर रखा है। इमरान खान इस्लामाबाद आए तो वापस लाहौर जाने के बजाय बनीगाला जा सकते हैं, यह जराए खबर दे रहे हैं। इमरान खान की बैंकिंग कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तलबी। तहरीक इंसाफ की सियासी क्यादत और लीगल टीम से मुशावरत। इमरान खान को दोनों अदालतों में पेश होने पर गौर। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सिद्दीक, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या अपडेट सामने आ रही है? देखें, तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी इस पर मुशावरत कर रही है, उनकी जो पोलिटिकल लीडरशिप है वो भी मुशावरत कर रही है। इमरान खान साहब को दो अदालतों ने जो है वो तलब कर रखा है। एक, इमरान खान साहब पर बैंकिंग कोर्ट में एक केस चल रहा है, ये जो ममनुआ फंडिंग केस था, और उसमें जितने भी सात अक्यूज थे, जो को अक्यूज थे, उन सबकी जमानतें जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं। जो बैंकिंग कोर्ट की जज हैं रशंदा साहिबा, उन्होंने उनकी जमानतें कंफर्म की और इमरान खान साहब को 28 तारीख को उन्होंने तलब कर रखा है। वहां पर इमरान खान साहब की अबूरी जमानत का मामला जेर इल्तवा है और उसके बाद इमरान खान साहब को सेशन कोर्ट में भी तलब किया गया है एडिशनल सेशन जज की जानिब से, और वो मामला है तोशाखाना के जो रेफरेंस है, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने मुझे कंप्लेंट भेजी थी सेशन कोर्ट को, उसमें एडिशनल सेशन जज साहब ने इमरान खान को फर्द जुर्म के लिए 28 तारीख को तलब कर रखा है। इन दोनों जगहों पे इमरान खान को तलब किया गया है। साथ ही जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसके जज जस्टिस जज जो है जवाद अब्बास साहब, उन्होंने भी इमरान खान की जो दरखास्त जमानत है उसको अदम पैरवी पर खारिज कर दिया था, तो वहां पर भी इमरान खान पेश हो सकते हैं। अब मुशावरत ही हो रही है कि इमरान खान साहब को 28 को इन तीनों अदालतों में जो है वो पेश हो जाना चाहिए। 3 मार्च तक उनके पास 5 दिन जमानत है जो उनको लाहौर हाई कोर्ट ने दे रखी है, उससे पहले वो इन फोरम्स के ऊपर आकर और खास तौर पर इस दहशतगर्दी की अदालत में आकर सरेंडर कर सकते हैं, और यहाँ पर जब वो आएंगे तो उनको जमानत बड़ी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि जो इस दहशतगर्दी की अदालत में केस है वहां पर बात है कि उन पर दहशतगर्दी की दफात नहीं लगती, लेकिन जब तक वो पेश नहीं होंगे तब तक फैसला नहीं होगा। और अगर इस्लामाबाद की तीनों अदालतों में पेश हो जाते हैं तो क्या तवक्को की जा रही है कि वो लाहौर वापस आएंगे या बनीगाला रहेंगे? देखिए, इमरान खान अगर पेश होंगे तो फिर इसके कभी इम्कान हैं कि फिर इमरान खान जो है वो बनी मुंतकिल हो सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि इमरान खान साहब पर इतने केसेज हैं, टोटल बोल ने जो खबर भी दी थी कि इमरान खान साहब पर पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में और मुख्तलिफ फोरम्स पर, चाहे वो एफआईए हो, इलेक्शन कमीशन हो, टोटल 72 केसेज हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। तो उसमें जो अक्सरियत है वो इस्लामाबाद में है, तो इमरान खान जो है अगर आते हैं तो फिर इसके भी इम्कान हैं कि इमरान खान जब यहाँ पर आकर पेश होते हैं तो उसके बाद वो बनीगाला मुंतकिल हो जाए, क्योंकि अब बड़ी तेजी हमें देखने में आ रही है इमरान खान के ऊपर केसेज में। हर अदालत उनको तलब कर रही है और ऐसा लगता है कि उनके केसेज की जो फाइलें हैं उनको पहिए लगा दिए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।